और चलिए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं वो बड़ी खबरें जिस पर रहेगी हमारी नजर। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की। देखिए राहुल गांधी की तरफ से क्या बयान दिया गया और क्यों राहुल गांधी पर सवाल खड़े हो रहे हैं ये आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा और भी बड़ी खबरें आपको बताएंगे, जैसे कि हाथरस कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर पुनीता। बिल्कुल, इसके बाद बात करेंगे हाथरस कांड की, यानी कि चेला तो देखिए अब गिरफ्तार हो चुका है और बारी गुरु की है यानी कि सूरजपाल की है। और बात पाखंड के अंत की भी करेंगे, आखिर देश में कब तक पाखंड का धंधा चलता रहेगा ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि न सिर्फ सूरजपाल बल्कि देश में कई ऐसे बाबा हैं जो भोले भाले लोगों को ठगते हैं और इसके बाद एक अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। जिसकी तस्वीर देखिए सूरजपाल की तो अभी सामने आई है, लेकिन कई ऐसे बाबा हैं जिनको सामने लाना जरूरी हो जाता है। और अगर सूरजपाल की बात करें तो इसको लेकर भी देखिए कई खुलासे हर दिन हो रहे हैं जो चौंकाते भी हैं। तो इन तीन बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर तो रहेगी, लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर सामने आ रही है। सूरत से खबर है, 6 मंजिला इमारत गिरी है और हादसा किन कारणों की वजह से हुआ साफ नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर बुरी खबर यह है कि 3 लोगों की मौत फिलहाल हो गई है। ये बड़ी खबर फिलहाल सूरत से सामने आ रही है, इस वक्त जान बचाने के बाद फिलहाल इमारत गिरी। गुजरात के सूरत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है, 6 से 7 लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग फंसे हुए हैं। गुजरात के सूरत से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए तस्वीर भी सामने आ चुकी है, सामने आपको प्रशासन की टीम भी नजर आएगी जो इस वक्त मलबे को हटाने का काम लगातार करते हुए नजर आ रही है। मलबे को हटाया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि 6 से 7 लोग हो सकते हैं कि मलबे के अंदर दबे हुए हो और उनको निकालने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। क्या ये पुरानी इमारत थी या फिर मेंटेनेंस इसकी नहीं की गई, ध्यान नहीं रखा गया, कितनी पुरानी इमारत थी, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस वक्त राम के अस्तित्व को मिटाने का दावा करने वाले पहले भी आए लेकिन सब विलीन हो गए, लेकिन भगवान राम पर आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु आज भी हैं। राहुल गांधी ने अयोध्या की जीत को जिस तरह से राम मंदिर आंदोलन से जोड़ा है उससे एक बार फिर यही लगता है कि राहुल गांधी सनातन अयोध्या और प्रभु श्री राम के अपमान की सीढ़ियां चढ़कर गुजरात पर अपना झंडा बुलंद करने का सपना देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या गुजरात की जनता सनातन का अपमान करने वाले राहुल गांधी को गुजरात में टिकने देगी। कल राहुल के गुजरात दौरे में कम कार्यकर्ताओं के जुटने की वजह से राहुल को अपनी बाइक रैली तक कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन फिर भी राहुल के हसीन सपने बरकरार दिखे। राहुल के इस उत्साह पर बीजेपी ने तंज कसा है। जब लोग उनके स्वागत के लिए आए नहीं, बाइक रैली कैंसिल करनी पड़ी और जो हजारों लोग का वादा दिया था पूरे राज्य से लाने का प्रयास किया गया, लेकिन मात्र और मात्र कुछ संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जुड़े। अटेम्प्ट में 3rd डिजिट ना टच कर पाने के बाद मुझे लगता है कि वो जो एक लाइन है ना, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली सफ में अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। लोकसभा में बहस के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को गुजरात में हराने का चैलेंज दिया था, अब उसी चैलेंज को पूरा करने के लिए राहुल गुजरात में हाथ पांव मार रहे हैं। सियासत में राम मंदिर और जन्मभूमि आंदोलन को लाकर राहुल ने भूल कर दी है। उन्हें अपनी जीत का इतना भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि वो भक्तों की भावनाओं से खेलें, हालांकि वो संसद में ये कर चुके हैं। राहुल के गुजरात जीत के दावे पर कांग्रेस नेता सुर में सुर मिला रहे हैं तो वहीं बीजेपी हसीन सपने करार दे रही है। गुजरात की जनता ने बड़े विश्वास के साथ भाजपा को बहुत बहुत मौके दिए, अब गुजरात की जनता भी त्रस्त हो गई है। हम मेहनत करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात के लोगों का आशीर्वाद, समर्थन, प्यार कांग्रेस के साथ है और गुजरातियों के समर्थन से ही आने वाली श्योर सरकार कांग्रेस की बनेगी। अब वो मुगालते में रहे, ख्याली पुलाव वो लोग खाते रहे, स्वप्न देखते रहे। अब देखना होगा कि अयोध्या में बीजेपी की हार को राहुल के राम मंदिर आंदोलन की हार बताने पर गुजरात की जनता क्या जवाब देती है, जहां कांग्रेस के नेता एक के बाद एक बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हाथरस कांड की।
बाबा का राइट हैंड यानी कि मधुकर अब न्यायिक हिरासत में है, लेकिन बाबा सूरजपाल अभी भी फरार है और इसके लिए पुलिस ने सूरजपाल के चेले से कई सवाल पूछे हैं। क्या थे वो सवाल, वो जान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात कि चेला अंदर, अब गुरु का नंबर है और आखिरकार क्या सवाल उससे पूछे गए ये भी आपको बताने वाले। हालांकि सूत्रों के वाले से जानकारी सामने आ रही है कि क्या क्या सवाल पूछे गए, वो लंबी फेरिस्त है और उसी फेरिस्त की जानकारी अब हम आपको देने वाले। देखिए पुलिस ने मधुकर से कई सवाल पूछे हैं। सूरजपाल के संपर्क में कब से हो ये सवाल पूछा गया, सत्संग में कितने लोगों के आने का अनुमान था ये भी पूछा है, हाथरस में हुए सत्संग में कितना चंदा आया था और इसके अलावा चंदे का हिसाब किताब कौन रखता है, सत्संग में क्या असामाजिक तत्व मौजूद थे, इसके अलावा क्या भगदड़ के पीछे कोई साजिश दिखाई देती है, क्या सूरजपाल किसी नेता के संपर्क में था ये भी सवाल टीम ने पूछा। इसके अलावा नारायण हरि भागने के बात कहां पर छिपा है, तुम्हें हार्ट की बीमारी का कब से ये भी पूछा, डिटेल दो ये बात कहते हुए भी यहां पर फिलहाल टीम नजर आई है। तो सूत्रों के वाले से आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से सवाल यहां पर पूछे गए मधुकर से। तो देखिए हाथरस कांड में जांच तेजी के साथ चल रही है लेकिन पुलिस और प्रशासन अब तक छोटी मछली तक ही पहुंच पाई है, बड़ी मछली अभी भी गायब है। सवाल यह है कि जिस शख्स तक मीडिया भी पहुंच गई वहां तक पहुंचने में पुलिस को आखिर दिक्कत क्यों हो रही है, रिपोर्ट देखिए। हाथरस में भगदड़ कांड के बाद अब बाबा पर शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि बाबा का राइट हैंड यानी देव प्रकाश मधुकर अब अंदर है और अब अगला नंबर बाबा का है, जिसका डर बाबा की सफाई के तौर पर सामने आ चुका है। यानी हाथरस कांड मामले में पुलिस भले ही अब तक पाखंडी बाबा सूरजपाल तक नहीं पहुंच सकी है लेकिन वो ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगा, क्योंकि कथित बाबा का चेला अब पुलिस के शिकंजे में है। शुक्रवार को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शनिवार को मधुकर को कोर्ट में पेश किया, अर्जी पूछताछ के लिए रिमांड की थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और मधुकर को 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया। मधुकर के ही एक और साथी गिरफ्तार आरोपी संजू यादव को भी कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। मधुकर भले ही अब पुलिस की गिरफ्त में है लेकिन अभी भी उसका पूरा परिवार फरार है। हमारी टीम ने जब उसके आवास की पड़ताल की तो वहां ताला लटका हुआ मिला। अब सवाल ये है कि अगर मधुकर गुनहगार नहीं है तो उसका पूरा परिवार घर पर ताला लगाकर क्यों फरार है। भगदड़ मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने हिरासत में लिया है लेकिन इस बीच अगर हम उनके घर की तस्वीरें दिखाएं हाथरस से तो उनके घर के बाहर अब भी ताला लगा हुआ है, अंदर परिवार के सदस्य नहीं है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कुछ लोग भी हम उनसे बात करेंगे। आप उनके पड़ोसी है तो परिवार अभी आया नहीं है क्या? अभी नहीं आया है, उसी दिन से परिवार गया है। हाँ। अच्छा। ऐसे में सवाल एक ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब आयोजकों की कोई गलती नहीं थी ऐसे में देव प्रकाश मधुकर भी आत्मसमर्पण करते हैं तो परिवार आखिर क्यों गायब हो गया है और परिवार अब भी यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचा है।